हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। आज हम लोग गाय के बारे में बात करेंगे जो हमारी गाय ब्याने वाली है। जैसे हमारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड वाली बच्चिया है जो हमारी गाभिन है जो ब्याने वाली है, और एक हमारी बगल में उसके शीतल है वो भी ब्याने वाली है। तो उन लोग दोनों के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, कब सेमेन डलाया गया था, कौन सा सेमेन है और वो कब तक बच्चा दे देगी, उसके बारे में फुल डिटेल्स बात करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोग को शेयर ज़रूर करें। उससे पहले मैं फार्म का अपडेट दे दूँ तो हमारी तीन बच्चिया इधर है जो कि पांच बच्चिया था इधर, तो दो बच्चे को हम लोग ने उधर ले लिया उस साइड अपने बच्चे की ओर, और रेड वाले बच्चे को देख पा रहे हैं कि इधर कर दिया हमने। तो ये सब है और हम न्यू गाय को पहले बात कर लेते हैं। तो न्यू गाय हमारी काफ़ी बढ़िया हो गई है, खाने पीने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है इसका। उसके बाद हम लोग मिल्क रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि कितना अभी मिल्क निकाल रही है इस सीज़न में, यानी लहर का भी जो मौसम चल रहा है इस सीज़न में, अभी गर्मी के समय में कितना ये दूध निकाल रही है वो भी मैं दिखलाऊंगा आगे वीडियो में। और ये गाय के मैं बात कर लूँ तो ये थोड़ा सा कम खा रही है, थोड़ा सा कम सूखा ज़्यादा खा ले रही है, थोड़ा सा भरपेट पूरा नहीं खा रही, जो कि आपको पेट खाली देखने के लिए मिलेगा, और थोड़ा सा कमज़ोर ये गाय ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है आपको। और ये गाय काफ़ी बढ़िया है, जिसको थनैला हुआ था ये काफ़ी सुधार हो गया, इसका दूध भी काफ़ी बढ़िया हो गया, अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी गाय का मैं बात कर लूँ तो इस गाय का सेमेन हम लोग डलवाए थे लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं कंसीव की है, जो कि अब चेक कराने के लिए टाइम हो चुका है। हम लोग डॉक्टर को आज या कल कॉल करके बुलाकर चेक करवा लेंगे, क्योंकि इसका हम लोग ने देखा था एक हफ्ता पहले तो इसका ब्लड आया था, तो ये हम लोग को शक लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, जिसके कारण से दिक्कत होगा हम लोग को, क्योंकि अभी तक एक गाय भी कंसीव नहीं की है जो हम लोग को मतलब डेढ़ा जो जैसे बोलते हैं उस तरह का मिल्क होना चाहिए फार्म में। तो अभी कोई भी गाय हमारी कंसीव नहीं हुई, सेमेन नहीं पड़ा है। अभी काजल का पड़ा है तो इसका भी लगभग 16 तारीख को पड़ा था, तो लगभग 20 रोज 25 रोज होने वाला है समथिंग, तो इसको भी मतलब चेक कराना होगा। और हमारे वाइट वाली बच्चे वहाँ पे है तो वो सबको चेक कराना होगा, अगर दो अगर हो जाते हैं प्रेग्नेंट तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी इतनी सारी गाय में अभी 7 गाय मिल्किंग में है हमारी, तो 7 गाय में सिर्फ एक गाय को सेमेन लगा है, एक बच्चा को सेमेन लगा है, और ये कम चांस लग रहा है इस गाय का, तो दिक्कत होगा आगे आने वाले दिन में, क्योंकि डेढ़ा पे होना चाहिए। क्योंकि आपका जो मिल्क है वो इस तरह कराना चाहिए, जैसे आपके पास 8 गाय है तो 4 गाय 6 गाय मिल्किंग में होना चाहिए और 2 गाय गाभिन होना चाहिए, ताकि आपका दूध जो है रेशियो में उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं हो। तो हम लोग इस गाय के बारे में बात कर रहे थे, हमारी शीतल गाय जो है इसका हम लोग सेमेन हम लोग 22/8/2021 को हम लोग ने लगाया था, जो कि इसका अभी 17 दिन दिखला रहा है। हमारा जो फ्री फार्म मैनेजमेंट ऐप है उसमें हम लोग उसको हम यूज़ करते हैं, फ्री कॉस्ट है, तो इसमें अभी 17 दिन दिखा रहा है। इसको हम लोग ने एटलस का सेमेन डलवाए थे 40/116, तो ये किस तरह तैयार हुई ये आप देख सकते हैं। इसका ब्याने का समय 17 दिन बाकी है, हो सकता है कि ये लास्ट मंथ में बच्चा दे, तो ये काफ़ी शानदार बॉडी वेट से लग रहा है। अभी इसका कुछ दिन पहले दूध इसका बंद हुआ है, क्योंकि दूध इसका बंद नहीं हो पा रहा था, सूख नहीं रहा था, हम लोग बहुत कोशिश किए थे तो काफ़ी दिनों के बाद ये सूखा, यानी अभी कह सकते हैं कि 10 रोज़ से इसका मिल्क निकालना बंद हुआ है, 10 रोज़ एक हफ्ता से इसका मिल्क बंद हुआ है, और जो कि अभी 17 दिन बाकी है ब्याने का टाइम, तो देखते हैं ये कितना दिन में बच्चा देती है, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है आज 8 तारीख हो चुका है, 22 तो 12 रोज समथिंग बच रहा है, और 10 दिन और ले लेते हैं अगर आगे देगी, 9 महीना प्लस में अगर देती है 10 दिन में, तो पूरा अगर टाइम पे अगर बच्चा देती है 9 महीने 9 दिन पे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। और इस गाय की मैं बात कर लूँ, हमारी रेड वाली बच्चा जो है काफ़ी शानदार लग रही है देखने में। इसका थन का बनावट कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। इसका मैं बता दूँ सेमेन 17/8/2021 को इसका सेमेन लगा था, जो कि इसका ब्याने का अब कुछ दिन 12 दिन समथिंग बच रहा है, तो ये भी काफ़ी शानदार लग रही है देखने में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं सेमेन का बात कर लूँ तो एटलस 40/116 है सेमेन, इसको भी लगा है, क्योंकि हम लोग ने जर्सी या साहिवाल का हम लोग लगवाना सोचे थे तो वो नहीं लगवाए थे, हम लोग ने एटलस सेमेन बढ़िया समझ कर, क्योंकि कंसीव नहीं की थी, दो बार हम लोग सेमेन यूज़ किए तो कंसीव नहीं किए थे, एटलस 40/116 लगाए तो कंसीव कर गई थी। आप देखेंगे हम लोग ब्याने के समय क्या प्रॉब्लम होता है इसको, क्योंकि बच्चा उसका जो होता है वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट बार है और छोटी कद की गाय है तो दिक्कत होने का संभावना है, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। उससे पहले
कोई हम लोग दवा मेडिसिन हेमोपैथ का यूज़ कर लेंगे ताकि इसको किसी तरह का दर्द वगैरह ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी शानदार लग रही है दोनों गाय। यहाँ पे ये खा चुकी है, मैं आगे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की है। तो ये आप हमको बता दीजिएगा कि कितना हमारी रेड वाली बच्ची है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन की गाय है। क्योंकि ये हमारा मोहन, हमारी जो गाय थी उसका, उसके साथ में ये बच्चा लगाकर हमको मिला था, जो हम लोगों ने सुजीत भाई के पास से लिया था। तो ये हमारा लगभग होगा 2020 का ये बच्चा होगा, 2020 में फरवरी का ये बच्चा था। और जो कि हम लोग ने साल भर में इसको कंसीव करवाया, यानी 14-15 महीने में ये इसको सेमेन लगा था, और उसके 9 महीने बाद ये बच्चा देने वाली है। तो कैसा लग रहा है ये गाय और बच्चिया का हमारा, ज़्यादा हम लोग को खुशी होगा ये जब बच्चा देगी तो, क्योंकि इसका देखना है। हमारे पास जो फार्म जब से स्टार्ट किया, हमारा पहला बच्चा जो है ये तैयार हुआ है, तो हम लोग को देखना है कि ये कितना मिल्क निकालेगी और आपके अंदाज से क्या ये मिल्क निकाल सकती है, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये हमारा सभी बच्चा है, यहाँ पे खाने के लिए मिल चुका है सभी लोग को। अभी गोबर साफ़ नहीं हुआ है, तो अभी काम लग गया गोबर साफ़ होने में। तो इसके बाद हम लोग, हमारा ग्रीन है, ग्रीन में अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास अभी इस सीज़न में कौन सा ग्रीन लगा हुआ है और कितना बड़ा हो चुका है, वो भी मैं दिखाने के नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो कैसा रहा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।